शक्ति अस्तित्व के एहसास की सीरियल में किन्नर बहुसौम्या का किरदार इतना खूबसूरत ना हो पाता अगर उसे एक्ट्रेस रुबीना दिलाइक ना निभाती, जो खुद दिखने में बेहद सुंदर हैं और उन्होंने अपनी खूबसूरती से सौम्या के किरदार को और खूबसूरत बना दिया। इसलिए तो आज इनके काम के साथ साथ इनकी खूबसूरती के भी खूब चर्चे टीवी इंडस्ट्री में है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री रुबीना दिलाइक जितनी सुंदर है, इनकी सौतन इनसे भी ज्यादा सुंदर है। जी हाँ, इनकी सौतन इनकी जिंदगी में भी खूबसूरत सौतन है, वो भी सिर्फ चेहरे से सुंदर है, उनका दिल सुंदर नहीं है। इसलिए तो उन्होंने इनका बसा बसाया घर उजाड़ कर फेंक दिया था। बात जाने के बाद अगर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर कौन सी हैं वो इनकी सौतन, तो उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। उससे पहले इनके लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शक्ति अस्तित्व के एहसास की शो में नजर आ रही एक्ट्रेस रुबीना दिलाइक का जन्म हुआ है 26 अगस्त 1987 को शिमला में, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई यहीं से हुई। अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की साल 2018 में छोटी बहू शो में राधिका का किरदार निभाकर, जिसके बाद इन्होंने सास बिना ससुराल, पुनर्विवाह और जीनी और जूजू जैसे शोज में काम किया। वर्तमान में ये कलर्स के शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की सीरियल में सौम्या का किरदार निभा रही हैं, जिससे पहले ये रियलिटी शो बिग बॉस 14 में विजेता बनकर सामने आई। लेकिन अगर बात करें इनकी सौतन के बारे में, तो आपको बता दें इनकी सौतन का नाम है शालमली देसाई, जो टीवी इंडस्ट्री की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस है। पर वो इनकी सौतन कैसे बनी, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो शुरू हुई थी छोटी बहू शो के सेट से, जहां पर ये अपने को स्टार अविनाश सचदेव के प्यार में पड़ गई, तो वहीं इनकी खूबसूरती पर अपना वो दिल हार बैठे। इस तरह से दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। पर इनकी इस खुशहाल जिंदगी में विलन बनकर आई खूबसूरत एक्ट्रेस शालमली देसाई। जब उनके साथ अविनाश ने इस प्यार को क्या नाम दो शो में काम किया, उसी दौरान उन्होंने अविनाश को अपने प्यार में रिझा लिया। ये जानने के बावजूद कि वो रुबीना को डेट कर रहे हैं, आगे चलकर उनसे रुबीना को दूर कर उन्होंने अविनाश से शादी भी रचा ली। इस तरह वो रुबीना की सौतन बन गई। इसलिए तो अविनाश से शादी किए बिना ही रुबीना उनकी पत्नी शालमली से सौतन वाला रिश्ता रखने लगी थी, क्योंकि इन्हें अविनाश से अलग होने का काफी दुख था। इसलिए तो उनके उन पर इन्होंने इन्हें अविनाश को अलग करने के लिए कई तरह के आरोप लगाए, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इनके बॉयफ्रेंड इनके पास वापस नहीं आए और बनकर रह गए इनके एक्स बॉयफ्रेंड, जिसके बाद ये जिंदगी में आगे बढ़ गईं और अभिनव शुक्ला से शादी कर अपनी लाइफ में बिजी हो गईं। पर आज बेशक इनका और अविनाश का कोई रिश्ता नहीं है, पर आज भी उनकी पत्नी शालमली से नफरत करती हैं और उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, जबकि वो अपनी पत्नी शालमली से तलाक ले चुके हैं। पर आज भी अविनाश और खुद का रिश्ता खत्म करने के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानती है और सौतन की तरह नफरत करती हैं। तो दोस्तों, आपको रुबीना ज्यादा खूबसूरत लगी या फिर उनकी सौतन, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।